हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गदर 2 मूवी के कुछ मेकिंग बिहाइंड द सीन्स को जानेंगे और साथ ही जानेंगे इस मूवी को कैसे और कहां कहां शूट किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तभी तो आप सभी को पता चलेगा आखिर इस मूवी की शूटिंग कैसे और कहां कहां की गई थी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के स्टार्टिंग में, जब पाकिस्तानी आर्मी इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं तभी वहां पर सनी देओल अपने ट्रक से आ जाते हैं, जिसके बाद उनके पीछे के ट्रक को तोप से उड़ा दिया जाता है और उस सीन को कुछ इस प्रकार से शूट किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों अगर आप लोगों ने इस मूवी को देखा होगा तो आप सभी को इसका ये वाला सीन तो जरूर याद होगा, जिसमें उत्कर्ष शर्मा अपने पिता को ढूंढते ढूंढते पाकिस्तान चले जाते हैं, तभी वहां उन्हें एक पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो जाता है और यह उस समय का BTS वीडियो है जब मुस्कान और चिरंजीत पहली बार मिलते हैं। दोस्तों फिर इसके बाद जब सनी देओल को यह पता चलता है कि उसका बेटा पाकिस्तान में फंस गया है तो वो उसे लाने के लिए पाकिस्तान जाते हैं और यह उसी समय का BTS वीडियो है जिसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों वैसे इस मूवी में पाकिस्तान वाले जितने भी सीन हैं उसे लखनऊ में शूट किया गया था। जैसा कि अगर आप लोगों ने इस मूवी को देखा होगा तो आपको यह सीन जरूर याद होगा जहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी सनी देओल के बेटे को सजा देने के लिए एक ग्राउंड में बांध देते हैं, तभी वहां सनी देओल आते हैं और उसे बचाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी से लड़ जाते हैं और मूवी के इस क्लाइमैक्स सीन को कुछ इस प्रकार से शूट किया गया था। फिर इसके बाद जब इस मूवी में पाकिस्तानी आर्मी उत्कर्ष शर्मा का पीछा करते हैं तो वो उसे बचने के लिए एक छत के ऊपर से छलांग लगाते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं उस छलांग लगाने वाले सीन को कुछ इस प्रकार से शूट किया गया था। दोस्तों बेसिकली इस मूवी की शूटिंग दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, पालमपुर, इंदौर, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में किया गया है और ये BTS जो आप यहाँ देख रहे हैं यह पूरा सेट पालमपुर का है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों अब यह वाला बिहाइंड द सीन उस टाइम का है जब इस मूवी में सनी देओल अपने बेटे को बचाकर एक गाड़ी में एक पुल के ऊपर से बिठाकर ले जा रहे होते हैं, तभी उनकी गाड़ी पर तोप से हमला करके उसे उड़ा दिया जाता है, जिसके बाद उनका बेटा ट्रेन पर गिर जाता है और आप यहां इसके कुछ शूटिंग बिहाइंड द सीन को देख सकते हैं। अब इस जगह पर पाकिस्तानी आर्मी की एक जीप को उड़ाई जा रही है। वैसे इस सीन को शूट करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि इसके शूटिंग के समय इसके आसपास बहुत सारे लोग मौजूद थे, बट बाय द वे इस जीप का एक्सल कहीं दूर जाकर गिरा जिससे वहां पर मौजूद किसी भी लोग को ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा। दोस्तों गदर 2 मूवी की शूटिंग देखने में किसी बड़ी एक्शन मूवी से कम नहीं लगती है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि कैसे रात के समय भी इस मूवी को शूट किया जा रहा है। आप इस शूटिंग क्लिप को देखने के बाद यह खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी को शूट करने में कितना ज्यादा मेहनत किया गया होगा। दोस्तों अब यह वाला बिहाइंड द सीन उस टाइम का है जब इस मूवी के लास्ट में पाकिस्तानी आर्मी देओल और उसके बेटे और उसके बहू को एक पिलर में बांध देते हैं, जिसके बाद सनी देओल उस पिलर को तोड़ देते हैं और फिर यहीं पर हमें एक जबरदस्त फाइट भी देखने को मिलती है। इसके कुछ बिहाइंड द सीन को आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों अब ये वाला बिहाइंड द सीन उस टाइम का है जब इस मूवी के लास्ट में सनी देओल और पाकिस्तानी आर्मी जनरल से फाइट होती है और इसके कुछ शूटिंग क्लिप को आप यहां देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा इसके फर्स्ट पार्ट गदर एक प्रेम कथा को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था, बट फिर भी लोग तो इसे देखे ही थे और आप सभी को इस मूवी का ब्लॉकबस्टर हैंडपंप वाला सीन तो जरूर याद होगा जिसे आप लोगों ने भी काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। लेकिन इस बार गदर 2 मूवी में सनी देओल की हैमर वाला सीन काफी ज्यादा बवाल मचा रही है। तो दोस्तों यह थी गदर 2 मूवी के कुछ मेकिंग बिहाइंड द सीन्स और इसका कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। और अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आने वाली ऐसे ही मूवीज BTS का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।